गुरु भगवान के शुक्राने हैं। थोड़ी देर शुक्राना माने, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सबसे पहला शुक्राना तो इस बात का है, भगवान का, कि हमको मनुष्य शरीर मिला। सबसे पहला शुक्राना कि हमको मनुष्य शरीर मिला। देखिए, हम सब ईश्वर के अंश हैं, भगवान के पास से आए हैं। कर्मानुसार हमको शरीर मिलता है। कैसे कर्म करते आए जन्मों जन्मों, कभी खराब कर्म भी हो गए होंगे तो अगला जन्म कीड़े मकोड़े का मिला। जैसे सत्संग की महिमा वाले दृष्टांत में आता है कि एक साधक पूछता है गुरु जी से, सत्संग की क्या महिमा है? तो कहते हैं, बेटा वो दीवार पर कीड़ा बैठा है, उससे जाके पूछ। तो वो लड़का सोचता है, क्या कह रहे हैं ये, दीवार पे कीड़ा बैठा है, उससे जाके पूछ। जाकर फिर कहता है, सत्संग की क्या महिमा है? और वो कीड़ा वहीं मरकर गिर पड़ता है। दृष्टांत आगे आपने सुनाई है। भाव कहने का ये है कि कीड़े मकोड़े सी जिंदगी रही होगी हमारी, या कीड़े मकोड़े रहे होंगे हम, कभी कहीं सत्संग भवन के आसपास पहुंच गए होंगे और वहाँ सत्संग थोड़ा सा भी सुन लिया होगा तो हमको मनुष्य शरीर मिला। बीच में और मिले होंगे जो भी, लेकिन जैसे उसमें दृष्टांत में है कि वो कौआ बना, फिर बछड़ा बना, फिर राजकुमार बना। राजकुमार मतलब हम लोग। इंसान, मनुष्य, तो हमको मनुष्य शरीर मिला, ये पहला शुक्राना है भगवान का। कीड़े मकोड़े की योनि में डाल देते तो हम क्या करते? फिर शुक्राना है हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लायक बनाया। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कुछ हमारा अपना मन भी गड़बड़ करता है, मन हमको एक अच्छा इंसान नहीं बनने देता, एक सच्चा इंसान नहीं बनने देता, झूठ बुलवाता है। वो काम कराता है जो शास्त्रों में मना है। लीनर बना देता है मन, लटकने वाला, दूसरों का समय खराब करे, पैसा खराब करे, मन खराब करे, दुखी करे, दूसरों को, अपने को तो करे ही करे, दूसरों को भी करे। तो ऐसा खराब मन, लेकिन कितने शुक्राने हैं गुरु के कि वो हमको ढूंढ लेते हैं। आपको कल बताया ना, मनाली में सत्संग चल रहा है, आज पांचवां दिन है। तो वो कोई नहीं आया वहां से,
शुरू में ऐसा कहते हैं, ये मैंने बहुत अनुभव किया इस एपिसोड से, ये जो अभी 27 अप्रैल से चल रहा है सब कार्यक्रम सहायता करने का, तो उससे बहुत अनुभव किया कि गुरु तन मन धन की कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी का पुल बनते हैं और उन पर फिर बहुत सारे लोग चढ़ कर के पार हो जाते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे सोल्जर्स जा रहे हैं, रास्ते में कोई बड़ी सी दरार आ गई जिसको लांघना मुश्किल है, ऐसे कूद जाना मुश्किल है, तो एक सोल्जर को वो ऐसे लिटा दें हाथ लंबे करके उस पार और पैर इस पार, तो कई सारे सोल्जर्स उसके ऊपर चढ़ कर के निकल जाएं। कितना बल लगता होगा उसको, कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी कुर्बानी है उसकी, क्योंकि अगर ज़रा हाथ ढीले कर देगा तो खुद भी नीचे जाएगा और उसके ऊपर जितने सोल्जर होंगे सब नीचे जाएंगे। तो हमारे गुरु की कितनी कुर्बानी रही होगी, कितना उनका त्याग तपस्या रही होगी कि हम लोग आज उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, चल पा रहे हैं। कुर्बानी का पुल तो वही बने, हम तो सहज में ही चलते जा रहे हैं, हमको तो सिर्फ चलना है, सारी मेहनत सारा पुरुषार्थ तो उन्हीं का। तो हमको माँ बाप मिले, शुक्राना है, उन्होंने हमें इस लायक बनाया, कुछ संस्कार ऐसे डाले कि हम सत्संग में आ सके। सत्संग में बैठ सके, कुछ संस्कार माता पिता ने बैठने वाले डाले। मुझे याद है मैं जब इंजीनियरिंग में आया था तो अम्मा जी ने कहा कि एक नियम बना ले, तब तक सत्संग तो पता ही नहीं था दूर दूर तक, एक नियम बना ले, रोज़ गीता का एक अध्याय पढ़ के जाया करो। मैंने कहा एक अध्याय तो बहुत बड़ा होता है, ये तो मालूम था 18 अध्याय हैं गीता में। तो बोले अच्छा एक श्लोक संस्कृत देख लेना, समझ में ना आए ना आए, और उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लेना और व्याख्या पढ़ लेना। तो जयदयाल गोविंदका जी की तब हमारे पास गीता थी, तो उसमें व्याख्या बहुत लंबी नहीं है, एक पेज की, डेढ़ पेज की, आधे पेज की, ऐसे करके हैं। तो वो मैं सुबह सुबह नहा धोकर जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी भागना होता था, क्लास 8 बजे से ही होती थी, तो सुबह पढ़ करके मतलब नहाकर सब तैयार व्यार होकर किचन में हमारे मंदिर था, छोटा सा मंदिर क्या था, फोटो लटकी थी 3-4 और एक स्लैब बहुत पतला सा करीब 6 इंच का बस थोड़ा सा स्लैब था, तो वहाँ एक आध जो ये लक्ष्मी जी गणेश जी दिवाली वाले होते हैं वो रखे रहते थे, वो हर साल बदल जाते थे, बाकी तो और कुछ अगरबत्ती एक आध कुछ जैसे पूजा का विशेष कुछ ऐसा नहीं था, थोड़ा सा ही था, पर हाँ जैसे घरों में छोटे मंदिर होते हैं वैसे। तो पढ़कर वहीं बैठकर पढ़ना अपना, जल्दी जल्दी पढ़ना, समझ में तो कुछ आता नहीं था, बिना गुरु के समझ में आता है कोई। एक आदमी गीता बैठा पढ़ रहा था तो एक ज्ञानी उधर से निकले तो देखा भाई क्या पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहा हूँ जी, चाबी है, बोले चाबी, चाबी क्या मतलब, गीता पढ़ने के लिए क्या चाबी तो ऐसी चाबी नहीं थी अपने पास, बस पढ़ लिया करते थे। तो शुक्राना है हमारे माता पिता का जिन्होंने संस्कार डाले कि थोड़ा सा कुछ पाठ किया करो। कितने सारे घरों में संस्कार होता है कि दिन में 5 टाइम का पाठ करना है, 5 टाइम पूजा करनी है, 5 टाइम नमाज पढ़नी है, 5 टाइम जो जो जिनके यहाँ जैसे जैसे संस्कार होते हैं। कितने शुक्राने हैं माता पिता के जो संस्कार डालते हैं, उन माता पिता के भी शुक्राने हैं जो कम से कम हाथ जोड़ना तो सिखाते हैं भगवान का, ये भगवान जी चलो मंदिर चलो, आज आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, आज ये है आज वो है, चलो चल के मंदिर चलो, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो,
हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। कुछ मांगा? बस यहाँ थोड़ी एक लाइन गड़बड़ हो जाती है, क्या मांगा? खैर, तो शुक्राने हैं माता पिता के जिन्होंने हमारे अंदर संस्कार डाले कि हम भगवान को मान पाते हैं। पढ़ा लिखा के उन्होंने बड़ा किया, लायक बनाया, नौकरी, शादी, बच्चे, बच्चों को, फिर बच्चों में संस्कार डालना। दादी दादा ना हो तो आजकल तो बच्चे उद्दंड हो जाते बहुत ज़्यादा, तो वो अगर पुराने संस्कार ही हैं तो कुछ संस्कार तो डाल ही देते हैं उनमें, ज़्यादा तो नहीं डाल पाते पर थोड़े बहुत संस्कार तो डाल ही देते हैं। तो शुक्राने हैं दादा दादी के। फिर बहुत शुक्राने भगवान के हमको घर मिला रहने को। घर नहीं देते भगवान तो हम भी फुटपाथ पे घूम रहे होते कहीं, बिना कपड़ों के ठंड में भीख मांग रहे होते। तो बहुत शुक्राना है भगवान का कि हमको घर दिया, परिवार दिया, कपड़े दिए, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा सामान दिया, पढ़ने को सामग्री दी, खाने को भोजन दिया। कुछ घर होते हैं जिनमें खाने को पर्याप्त नहीं होता, ठीक से नहीं होता, जीते तो वो भी हैं लेकिन अभाव में। तो बहुत शुक्राने हैं भगवान के हमको खाने को भोजन दिया, वस्त्र दिए। नौकरी मिली, पैसा कमाने लगे, पैसा खर्च करने की बुद्धि भगवान के शुक्राने हैं अगर वो हमारे पास ठीक है तो। बहुत शुक्राने हैं कि सही तरीके से पैसा खर्च हो पाता है, सर्व के हित में भी लगे, अपने लिए भी खर्च करें, आप ठीक से अच्छे से रहें, अच्छे से पहन ओढ़ के, घर को साफ सुथरा अच्छा रखकर। तो बहुत शुक्राने हैं भगवान के कि हमको बुद्धि ठीक दी। कुछ लोगों की बुद्धि बिगड़ी होती है, घर परिवार सब बिगाड़ लेते हैं, वो गलत आदतें पड़ जाती हैं। कितने शुक्राने भगवान के कि हम लोगों को गलत आदतें नहीं है। हम लोग तमोगुणी नहीं हैं, दूसरे का नुकसान करना, निंदित गलत कर्म करना, बेईमानी की कमाई, चोरी ठगी बेईमानी 420। बहुत शुक्राने हैं भगवान के हमारे अंदर उन्होंने ये सब अवगुण नहीं दिए, नहीं रखे, निकाल दिए, बाहर कर दिए। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। शरीर ठीक है, स्वस्थ है, कितने शुक्राने भगवान के, कितने शुक्राने। अब थोड़ा बहुत तो लोगों के लगा रहता है, किसी के कुछ, किसी के कुछ, सब तो एक व्यावहारिक चीज़ है, लेकिन फिर भी शरीर अच्छा दिया हमको, स्वस्थ दिया, कितने शुक्राने। पैसा दिया, खर्च कर सकते हैं अपनी तरह से, ठीक ठीक दिया, जितना दिया, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन दिया, शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। परिवार में लोग दिए, प्रेम दिया, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने।
जो हम खाते हैं वो पच जाता है, शरीर ठीक है, ना पचे तो क्या करें। कितने लोगों के पेट खराब रहते, ठीक ही नहीं होते। कितने सारे लोगों के गैस बनती है, पेट फूला रहता है, अनइजीनेस रहती है, दिमाग उतना बढ़िया काम नहीं करता फिर जितना एक स्वस्थ आदमी का दिमाग काम करता है। जिनके गैस बनती है उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। परेशान से रहते हैं, बेचैनी। कितने शुक्राने हैं भगवान के शरीर भी ठीक दिया। पहनने को कपड़े दिए, मनपसंद आप खरीद सकते हैं। आपको जैसा भी पसंद है, जैसा कोई कैसा पहनता है, कोई कैसा पहनता है। कितने शुक्राने हैं कि अपनी पसंद का ले सकते हैं, पहन सकते हैं। बचपन का मुझे याद है कि पैसे की कमी के कारण कभी कोई ब्रांडेड चीज़ का तो सवाल ही नहीं है, पर बहुत कम कपड़े होते थे, बहुत कम। कोई नया कपड़ा सिलता था तो पहले तो उसको रख लेते थे, अरे भाई नया सिला है पहनो, तो रख देते थे उठा के, कि नहीं कहीं जाना आना होगा, जब ज़रूरत आएगी तब पहनेंगे। आज तो तरक्की ज़्यादा हो गई है, पैसा बढ़ गया है, जो जैसा चाहे कपड़ा ले लेता है, पहन लेता है, बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, रहने को भी अच्छा कर लिया है लोगों ने। सत्संग में आने से वैसे भी विचार जब शुद्ध हो जाते हैं, विचारों पे मैं अक्सर सत्संग लेता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से सुनते होंगे तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता है, वैसे ही हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स वैसी बन जाती हैं। उसी तरह से पैसा रहेगा, खराब विचार रहेंगे तो पैसा भले रहेगा भी काम नहीं आएगा, या तो कम रहेगा। जिनके विचार बहुत ऐसे ही होते हैं उनके पास पैसे की कमी रहती है हमेशा, और अगर लूट खसोट करके वो ले भी आते हैं, किसी तरह धन कमा भी लेते हैं, तो वो उनको शांति नहीं देता, उनको खुशी नहीं देता, चिड़चिड़े बने रहते हैं। तो बहुत शुक्राने हैं भगवान के हमारे विचारों को ठीक रखा। फिर जीवन में हमारे गुरु आते हैं। मान लीजिए बच्चे भी हो गए हैं, बड़े होने लगे, सत्संग मिला, कितने शुक्राने हैं उस दिन के जब हमको सत्संग मिला। कल जैसे मैं बता रहा था, फ़रवरी 1984 गुरुजी के प्यारों का घर में आगमन हुआ, और 15 दिन पहली बार रहे जब, तो ऐसा लगा जीवन ही बदल गया। अभी मनाली में सत्संग हो रहा है तो वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनमें से, कि अब तो हमारा घर में मन ही नहीं लग रहा, हम तो आपके साथ चल रहे हैं अलीगढ़। तो वही हाल हमारा था। फरवरी का महीना 1984, बस लग रहा था गुरु के साथ ही चले जाए। इतना प्रेम मिलता है, निष्काम प्रेम गुरु का, जो दुनिया में कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। सबका वैसा प्रेम होता है, सब किसी न किसी इच्छा से, किसी न किसी कारण से,
माँ प्यार करती है, बहुत प्यार करती है बच्चे को, लेकिन बच्चे को लगता है कि ये मेरे ऊपर चढ़ी रहती है। ज़्यादा प्रेम होता है ना तो बच्चे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर चढ़ी रहती है सारा टाइम, अरे माँ जरा तो ढीला कर। अब वो भी प्रेम नहीं सुहाता। पिता का प्रेम है तो वो डांट वाला प्रेम है, जरा ना स्ट्रिक्ट होते हैं, होना भी चाहिए, पिता को स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, तभी बच्चे सुधरते हैं, काबू में रहते हैं, संस्कारी होते हैं। भले उस समय लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, भले लगेगा, लेकिन पिता को बच्चे की मर्जी पर नहीं जाना चाहिए। पिता को तो स्ट्रिक्ट ही, स्ट्रिक्ट का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा आप कोई जल्लाद बन जाएं या बुरी तरह करें या पीटा पाटी करें, वो सब नहीं, स्ट्रिक्ट मतलब जो रूल्स हैं बेटा वो हमारे रूल्स हैं, घर में रूल्स फॉलो होते हैं। बम्बई में हमारी ननिहाल नानी जी, नाना जी थोड़ा जल्दी उनका शरीर पूरा हो गया था, तो नानी जी बड़ी स्ट्रिक्ट, घर में लहसुन प्याज, अंडा फंडा तो छोड़ दीजिए वो तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, लहसुन प्याज भी नहीं आएगा, बिल्कुल सात्विक भोजन, सादा, वही हींग जीरे में छुका हुआ सादा भोजन, टमाटर भी बहुत कम आता था वहाँ, बहुत कम, जब आता था जब बच्चे फरमाइश करते थे कोई एक अच्छी सब्जी आज बन जाए, तो हफ्ते में एक दिन अच्छी सब्जी बनती थी तो टमाटर आता था, नहीं तो और प्याज लहसुन तो भूल जाइए। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स कुछ घरों में होते हैं, मैं नहीं कह रहा इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, मैं नहीं कह रहा आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, कुछ लोग मनमाना खाते पीते हैं, मनमाना आचरण करते, मैं नहीं कह रहा वो करिए, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा के बंधनों में बंद करके जो आप जीते हैं। एक बार की बात है, मेरे फादर भी यूरोप गए थे, 1975 की बात है, और मेरे बड़े भाई तो 60 कंट्रीज घूमे, बराबर घूमते थे, बराबर उनका टूरिंग जॉब था, कंपनी की तरफ से जाना पड़ता था एक्सपोर्ट करने के लिए सामान, तो बड़ी पोस्ट पर थे, कभी उन्होंने कोई ड्रिंक नहीं ली, कभी उन्होंने मीट नहीं खाया, कभी उन्होंने सिगरेट नहीं पी, वो चाय नहीं पीते थे, पीते ही नहीं थे, एक प्याला क्या होता है, हफ्ते में एक प्याला, महीने में एक प्याला, साल में एक प्याला, नहीं, कभी नहीं पीते थे। लेकिन उनका जीवन भी 57 ईयर्स की एज में पूरा हो गया। मैं नहीं कहता किसी से तुम खाओ, तुम पियो, तुम ये करो, मेरी बात को लोग पता नहीं ठीक उठा पाते हैं या नहीं, मैं कहता हूँ अपने संस्कारों को ठीक करो बस। बहुत सर्दी पड़ती है, एक साइबेरिया नाम का एक कंट्री है रशिया में, रशिया से जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा हर समय माइनस में टेम्परेचर रहता है, अब वहाँ जब तक वो लोग एक पैक ब्रांडी का, दो पैक ब्रांडी का रोज नहीं लेंगे तो वो जी नहीं सकते, वो मर जाएंगे। मीट उनके लिए खाना पड़ता है, उनको गर्मी देता है। मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि कोई कोई हाँ में पड़ा है, कोई नहीं में पड़ा है, सहज जिंदगी जो ज्ञानी की होती है, बोधवान के विषय में मेरे आगे चैप्टर खुला हुआ है, बोधवान कैसे होते हैं, जिनके जीवन में आग्रह नहीं होता। कमजोरी मत ले लेना इसको, तुम्हारे मन में पीने का शौक लग रहा है, अगर आता है और घर वाले पीने नहीं देते हैं तो कहीं छुप कर पी आओगे, बोधवान को तो कोई आग्रह नहीं होता, वो तो पी लेता है, नहीं पीता है, पीता नहीं है, ध्यान से सुनना, आग्रह नहीं होता उसको। अगर उसको कभी हो सकता है साइबेरिया जाना पड़ जाए और उसको ब्रांडी सामने रख दी जाए कि इसको ले लीजिए थोड़ा गर्माई आएगी, तो पी लेगा और घर आके भूल जाएगा, क्योंकि पीता नहीं है वो, पीता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसने दवाई पी है, उसने दवाई पी है, उसने ड्रिंक नहीं ली है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ठीक से उठाइएगा, गलत नहीं उठाइएगा। ज्ञानी को समझना ऐसा कहते हैं, अज्ञानी लोगों के लिए ज्ञानी को समझना असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है, वो समझ ही नहीं सकते उसकी। जब वो पहुंचते हैं उस स्थिति पर, मैं भी जब ज्ञानियों की भाषा सुनता था, ज्ञानियों की बात सुनता था,
मुझे अजीब अजीब सी लगती थी, कभी यों कहते हैं, कभी यों कहते हैं, कभी यों कहते हैं, पीता है तो पीता है, खाता है तो खाता है, खाते ना खाता, पीते ना पीता, ये क्या होता है। उनके आग्रह नहीं होता है, प्याज लहसुन अंडा मीट शराब ये वो कभी नहीं लेते, वो कभी नहीं लेते, ठीक है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना। बस ये बात को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, इसके आगे मैं ना समझा पाऊंगा और शायद पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं। मजबूरियां होती हैं, समय होता है, देश होता है, काल होता है, पात्र होता है, मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए ज्ञानियों के लिए परिभाषाएं अलग अलग हैं। आप तुलना नहीं कर सकते, आप ज्ञानी को एक सांचे में नहीं ढाल सकते कि ज्ञानी ऐसा होता है, नहीं, आपकी मान्यताओं को तोड़ देगा वो, कोई मान्यता नहीं रखते ज्ञानी। भक्त लोगों की एक अलग दुनिया है, उनकी एक अलग दुनिया है, वहाँ इन चीज़ों के लिए कोई एंट्री नहीं है। भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, कभी कोई वैसा काम नहीं करेगा जो शास्त्रों में निंदित है, मर जाएगा वो। ज्ञानी मरते नहीं हैं, ज्ञानी अलग एक दुनिया होती है उनकी। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ज्ञानी को बड़ा नहीं बता रहा, नहीं, भक्त बड़े होते हैं, सुन लीजिए, भक्त बड़े होते हैं। भक्तों में वो बात होती है जो ज्ञानी में हो ना हो पता नहीं। हर चीज का खंडन है, खंडन मंडन से ऊपर है तत्व ज्ञान, न खंडन न मंडन, ऐसे करो ऐसे मत करो, ये करो वो मत करो, फलाना करो धमाका करो, इन सब बातों से परे वहाँ क्या है ना, तत्व में स्थिति है, ही भगवान है, ही तत्व है, ही निराकार चेतन तत्व। अब आप बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे, चलो जो तत्व में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, जो अपने को शरीर मानता ही नहीं, अब आप बोलो उसको क्या खिलाओगे क्या पिलाओगे। समझ से परे है, हमारी समझ से बाहर हैं ये। एक बार एक पिता ने बीमार पड़ गया, लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटता था, तो अपने बेटे को कुल्हाड़ी दी कि बेटा जंगल जाके लकड़ी काट ला आज, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, पिता ने कहा कुल्हाड़ी पहना देता हूँ, हालांकि मेरी पहनी ही रहती है, फिर भी और तेरे और तेज कर देता हूँ, काट के लाना लकड़ी। कुल्हाड़ी पहना के दे दी, लड़का पहुँचा जब जंगल, तो पेड़ काटे तो गड़े ही ना उसमें, गड़े ही ना, बिल्कुल खराब हो कुल्हाड़ी, गड़े ही ना, पेड़ काटने का तो सवाल ही नहीं, वो मारे और वो गड़े ही ना उसमें पेड़ में। अरे भाई निशान तो पड़े, निशान के बाद थोड़ा और गड्ढा हो, थोड़ा और गड्ढा हो, लकड़ी कट कट के गिरे और पेड़ कट जाए, प्रोसेस होता है, कुछ नहीं हो रहा। थक गया, काफ़ी देर हो गई, लौट कर घर आया, पिताजी आपने कैसी कुल्हाड़ी दी, ये तो काट ही नहीं रही बिल्कुल कुछ भी। पिता ने जब कुल्हाड़ी देखी, हे भगवान, मैंने तो पहना करके तुझे इतनी बढ़िया दी थी, ये हुआ क्या, क्या किया तूने। मैंने क्या करा, रास्ते में दो चार पत्थर काट के देखे, इससे जोर से मारी पत्थर पे, पत्थर कट गया, दो टुकड़े हो गए, दो चार पत्थरों पे और ट्राई किया, दो टुकड़े हो गए। मैंने कहा बड़ी तेज कुल्हाड़ी दी है आपने, तो फिर मैंने जब लकड़ी पे पहुंचा तो लकड़ी कटे ही ना। ऐसी अकल वाले लोग दुनिया में होते हैं। भगवान ने हमको सबको बहुत तेज तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि दी है, सियानी समझदार, हम सबको बहुत समझ दी भगवान ने, बहुत समझ दी, बहुत समझदार बनाया। लेकिन हमने मन के चक्कर में पड़ करके बुद्धि को मलिन कर दिया, खराब कर दिया, भोगों की ओर ले गया हमारा मन, और हम चलते चले गए उसके पीछे, और हमारी बुद्धि कुंठित हो गई। कुंठित बुद्धि कहते हैं जो समय पर काम ना आए,
जब समय आया कि भगवान से मिलकर एक होना है, अब अंतिम यात्रा का समय है, अब भगवान के पास जाना है, तो बुद्धि तो कुंठित हो चुकी थी, कुछ काम ही ना करे, और मन में ख्याल दुनिया के, जैसे भी वहीं जाकर उस तरह की दुनिया का कीड़ा बन गए। कीड़ा आदमी भी बने तो क्या, जानवर और आदमी में कोई खास फर्क नहीं होता, जब आदमी वही जानवर वाली हरकतें करता है तो खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, जानवर की तरह जीवन होता है आदमी का, जानवर ही है। तो कितने शुक्राने हैं गुरु के जो हमको मिलते हैं, जब तब से लेकर जो हमारी यात्रा शुरू होती है, हमारी यात्रा गुरु भगवान तक की कराते हैं। बस एक शर्त है, हमको भी शौक होना चाहिए, हमको भी लगन होनी चाहिए, हमको भी प्यास होनी चाहिए, हमारे अंदर भी पुकार होनी चाहिए, हमारा भी संकल्प होना चाहिए, हमारी भी चाहना होनी चाहिए कि गुरुजी जो आप कह रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुश्किल है रास्ता, मुश्किल है, क्योंकि मन को वश करना पड़ता है। तो गुरु युक्तियां देते हैं, बेटा मन को भी वश करना ऐसा जरूरी नहीं है, तू मेरी बात समझ, तू मेरी बात सुन ले, समझ ले, मान ले, बस करना वरना के चक्कर में मत पड़, तू करना वरना सब हो जाएगा, पहले तू मेरी बात मान ले, ऑब्जर्व कर मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से कह रहा हूँ, मुझे ऑब्जर्व कर। तू करने के चक्कर में पड़ जाता है तुरंत, मैंने कहा ये करना ये नहीं करना, और तू करने के चक्कर में पड़ गया, ये नहीं करूँगा ये करूँगा। अरे मेरी बात को तो समझ पहले, तुझे क्या चाहिए, तेरा शौक, तेरी लगन, तेरी इच्छा संसार में है, पैसे में है, तो भगवान तक कैसे पहुँचेगा तू, मेरी बात को तो समझ। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, अब छोड़ देता हूँ, छोड़ देगा तो तेरा काम नहीं चलेगा, पकड़ लेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा, कहाँ भगवान की तरफ तू चल नहीं पाएगा अगर इनको पकड़ लेगा तो, तू छोड़ देगा तो तेरा मन तुझे गिरा देगा, हर समय उसी में फंसाए रखेगा, हर समय तेरा मन चलता रहेगा, तू भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा, कैसे भी नहीं चल पाएगा, मेरी बात को समझ। तभी कहते हैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, गुरु की नई नई बात रोज। कितने साल तक मुझे लगता रहा ये तो पहली बार सुना है, ये तो पहली बार सुना है, बातें वही होती थी घुमा फिरा के, पर नए तरीके से गुरु समझाते थे। तो हमारी बुद्धि मोटी हो जाती है संसार में, गुरु जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पाते। एक बार एक टीचर क्लास में आया, आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये बीकर है, बीकर कहते हैं एक जैसे ग्लास टाइप का समझ लीजिए, शीशे का, इसमें मैंने एक केमिकल डाला, डाल दिया, आधा भर गया वो, अब देखो उंगली डाली, अब इस उंगली को हम लोग मुंह में रखेंगे सब लोग, चलो सब लोग उंगली डालो, सब ने टपा टप टपा टप टपा टप उसमें आके 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 डाल, चलो मुँह में रखो, गुरु जी ने रख ली उंगली मुँह में। दिख रही है उंगली मेरी, अंदर जा चुकी है ना, नहीं जा चुकी है आप कल्पना करो, पर उंगली अब क्या हुआ, लड़के जो हैं ऐसे एकदम कड़वा 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 घोल था वो, कोई एक नहीं रखी गई, निकाल ली बाहर उंगली, और गुरुजी आराम से रखे हुए। हालांकि मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाते नहीं है, दिखाते यही हैं, पर फिर बैठेगा नहीं ना, फिर गलत हो जाएगा, तो डाली और रख ली, किसी ने देखा नहीं, सब वही लड़के तो वही है ना, अपने लगे हुए हैं, अपना शैतानी होती है दिमाग में, ध्यान से तो देखते नहीं है किसी चीज़ को, ध्यान तो लगा रहता है मजा मस्ती में, पढ़ने में इतना ध्यान थोड़ी होता है जितना मजा मस्ती में, जिनका पढ़ने में होता है उनका ज़्यादा ही पढ़ने में होता है, उनका प्रैक्टिकल में नहीं होता, वो व्यवहार में बिल्कुल ठप होते हैं। हाँ बेटा आटा कैसे मलते हैं, हमें क्या मालूम कैसे मलते हैं
व्यवहार में ठप होते हैं वो। तो मास्टर जी ने कहा, बेटा तुम लोगों ने मुझे ध्यान से नहीं देखा। तो लोगों ने कहा, हमने क्या ध्यान से देखा? आपने कहा उंगली डालो मुँह में, रख लो, हमने रख ली, किसमें क्या देखना था? बोले नहीं बेटा, जब गुरु कोई बात कहते हैं तो उनकी तरफ भी देखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उनका जीवन हमसे बेहतर क्यों है, क्या कारण है। इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी हैं, पर वो कितने महान हैं और हम कितने ठप्पे हैं, क्या कारण है। सोच का फर्क है, सोच का बहुत फर्क है। हम लोग मन में बुरा सोच लेते हैं, दूसरों का बुरा सोच लेते हैं, बुराइयां सोच लेते हैं, बुराइयां कर जाते हैं, बुरा कर देते हैं, कुछ 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 ऐसा हरकतें करते रहते हैं, हमारे कर्म बनते रहते हैं, उल्टे पुल्टे कर्म बनते रहते हैं। तो टीचर ने कहा, देखो बेटा मैंने उंगली तो रखी ये थी, है ना, ये वाली, उसके बाद मैंने एकदम से डाल ली, तुम लोगों ने भी डाल ली, मैंने ये नहीं डाली थी, ये डाली थी, है ना, यूं करके यूं कर लिया था एकदम, और मुंह में चली गई थी उंगली, तुमको दिख तो रहा नहीं था, ये हाथ दिख रहा था तुमको, तो ये वाला है ना, ये हिस्सा दिख रहा था तुमको, उंगली तो दिख नहीं रही थी, मैंने ये वाली डाली थी, मैं मजे से रखे हुए था और तुम्हारी आफत आ गई। संसार में तुम भी रहते हो, संसार में गुरु भी रहते हैं, पर बहुत फर्क है। तुम संसार के होकर रहते हो, वो संसार को निवृत्त करके बैठे हैं, काम वही करते हैं जो तुम करते हो, वही गुरु। गीता में भगवान ने जगह जगह प्रमाण दिए हैं हर बात के। हे अर्जुन, ज्ञानी भी वैसे ही कर्म करते हैं जैसे अज्ञानी करते हैं, पर अंदर का बहुत फर्क है। ज्ञानी निष्काम होते हैं, अज्ञानी सकामी होते हैं, ये फर्क है। सकामी होने के कारण वो दुखी रहते हैं, ज्ञानी निष्कामी होने के कारण सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उन्हें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है, अर्थात वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही बोधवान है। बोध या भगवत साक्षात्कार, यानी भगवान को देख लेना, भगवान को पा लेना, भगवान से मिलकर एक हो जाना, शुद्ध अंतःकरण वाले को ही होता है। अंतःकरण शुद्ध चाहिए। अब यहां आप युक्ति समझना, मन में बातें सबके आती हैं। हाँ, सुबह कौन जल्दी उठना चाहता है और कौन आराम से उठना चाहता है? हाथ खड़ा करो, चलो पहले आधा करते हैं। जल्दी कौन उठना चाहता है? चलो अब प्रश्न है। अच्छा, आराम से कौन उठना चाहता है? ये मेरा हाथ है। जल्दी वालों में मेरा हाथ नहीं था। आराम से कौन उठना चाहता है? लेकिन यहां जो बात चल रही है ना, समझने की बात है। भक्त हुए, ज्ञानी हुए, बोधवान हुए, कर्मयोगी हुए, योगी हुए, ये सब लोग अपने अपने पुरुषार्थ में लगे हैं। जल्दी सब उठना चाहते हैं, मन कहता है आराम से उठो, लेकिन वो उठते हैं। आप कह रहे हैं कौन उठना चाहता है, सब ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उठते नहीं हैं। वो उठते हैं, ये फर्क है, वो उठते हैं। उनको जो काम करना होता है वो करते हैं। जल्दी कितने बजे उठना चाहिए, जल्दी का क्या मतलब होता है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए सुबह 10 बजे उठना भी जल्दी होता है, पता है आपको? वो 11, 11:30 उठते हैं, 12 भी उठते हैं कभी कभी, तो 10 बजे तो बहुत जल्दी है। तो इसलिए ये प्रश्न बनता नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका। जल्दी वल्दी सब मन की बातें हैं। किसी को 4 भी जल्दी है, किसी को 6 भी जल्दी है। सुबह 6 बजे सर्दियों के दिन हम नहीं उठ सकते, उसको तो जल्दी हो गई 6 बजे, और आप उठ जाते 5 बजे, उसके लिए तो 6 भी बहुत जल्दी है। देखिए, ये आग्रह वगैरह ना सब मन के भ्रम है और कुछ नहीं है। आइडियलिस्टिक माइंड सिर्फ दुख देता है और कुछ नहीं देता। आइडियलिस्टिक माइंड ज़्यादा ज़्यादा आप कायदे वाले हैं तो आपको दुख ज़्यादा मिलेगा। कायदा उतना रखो जो अच्छा हो,
जो आपके फायदे का हो, जो आपको भगवान तक ले जाए, वो कायदा रखो। 4 बजे उठ के भगवान मिल जाएंगे। एक बूढ़ा 4 बजे उठकर माला कर रहा था, नारद जी आए, बोले अरे सब सोए पड़े हैं, तुम ही जगे पड़े हो, चलो तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। बोले बाबा जी रहन दो, तुम काहे को सुबह सुबह मूड खराब करने आ गए, मेरे पोते की शादी है 15 दिन बाद, उसको तो देख लूँ पहले। ले सुबह 4 बजे उठ के माला कर रहा है, पोते का भजन कर रहा है। ये सब ना, देखिए मैं एक अलग तरह का व्यक्ति हूँ, मेरी तरह का शायद आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आपको जितने लेक्चर मिलेंगे ज्ञान वाले सत्संग वाले लोग, बड़े कायदे के मिलेंगे, बड़े अच्छे होते हैं वो लोग। मैं उतना अच्छा इंसान, मैं तो बहुत कहता रहता हूँ, हर सत्संग में कह देता हूँ मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन हाँ सच्चा बनना चाहता हूँ, जो अंदर वो बाहर। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सच्चा इंसान बनूँ, क्योंकि सच्चे को भगवान मिलते हैं, अच्छे को भगवान मिलते हैं नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं लिखा। अच्छे इंसान को भगवान मिलते हैं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। सच्चे इंसान को भगवान मिलते हैं, जो सच को चाहता है। बोध या भगवत साक्षात्कार शुद्ध अंतःकरण वाले को होता है, केवल शास्त्र आदि अध्ययन करने वाले को नहीं। किताबें पढ़ पढ़, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़कर भगवान मिलते हैं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। भगवान प्रेम से मिलते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साची कहूँ सुन ले ओ सबे। कोई ग्रंथ उठा लीजिए, सब में एक ही बात लिखी है। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ, भक्त को मैं आसानी से मिल जाता हूँ। भक्त कौन? भगवान की निगाह में प्रेमी व्यक्ति भक्त है। योगी कौन? भगवान की निगाह में जो कर्म करता है और करते हुए भगवान को याद रखता है, वो योगी है। भगवान की परिभाषाएं बिल्कुल अलग हैं। अम्मा जी ने मुझे प्रेरित किया, गीता पढ़ो। एक बार सत्संग होने जब शुरू के दिन थे, तो मुझे कन्फ्यूजन रहता था, मैं क्या लूँ, क्या आधार या क्या बेस लूँ। तो अम्मा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा गीता लो। फिर भाभी जी से मैंने पूछा कि मेरा मन करता है मैं कुछ आधार लेके सत्संग करूँ, ऐसे बोलते रहो, ऐसे मनमाना बोलते रहो, तो अभी अच्छा नहीं लगता, अभी तो मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई कुछ मुझे आता नहीं, तो कोई तो ग्रंथ होना चाहिए ना सामने, जिसको पढ़कर बोलें तो अच्छा लगे। तो भाभी जी ने भी यही कहा, तुम गीता लो, आपको गीता पसंद है, आप गीता लो। तो मुझे तो भगवान की तरफ से यही प्रेरणा मिली कि मैं गीता लूँ। और गीता बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है, समझ में नहीं आता शुरू में, लेकिन गुरु मिल जाएं तो बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है, एकदम प्रैक्टिकल बातें कही हैं भगवान ने, थ्योरेटिकल तो बोला ही नहीं है। प्रेम करने वाले के लिए मैं सुलभ हूँ, अब बताइए इससे आसान और क्या बात हो सकती है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, प्रेम करने वाले के लिए, भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ, और बताओ क्या चाहते हो। हम सबको भगवान चाहिए, हम सत्संग में आए, हम सबको भगवान चाहिए। भगवान कैसे मिलते हैं? मतलब प्रेम से मिलते हैं, बात खत्म हो गई। अब प्रेम कैसे बढ़े, उसके लिए सारा सत्संग है। भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए सारा सत्संग है, और संसार से प्रेम बढ़ाने के लिए कुसंग है। कुसंग में चले जाओ, गलत कंपनी में चले जाओ, संसार से प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा, फंसते ही चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे, धसते ही चले जाओ, दलदल है संसार। मोह कलिलम बताया, कलिलम दलदल, मोह रूपी दलदल संसार, जिसमें आदमी एक बार उतर जाए तो फंसता ही चला जाता है, निकलने का साधन। हाँ गुरु मिल जाए, ज्ञान रूपी रस्सी दे दें, पकड़ करके खींच लें, तो बाहर आ सकते हैं। अपने आप दलदल से निकल नहीं सकता आदमी, दलदल की विशेषता होती है, कोई पकड़ के खींच ले तो निकल सकता है, लेकिन पास कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो भी दलदल में फंस जाएगा। तो रस्सा फेंकते हैं,
जहाँ सॉलिड जमीन होती है वहाँ से रस्सा फेंकते हैं, और अगर वो आदमी पकड़ ले उसको तो धीरे धीरे करके खींचते 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 वो बाहर आ जाता है। बड़ा टाइम लगता है। ऐसा संसार दलदल है, इसलिए बड़ा टाइम लगता है। गुरु कितना सत्संग हम लोग रोज़ सुनते हैं, गुरु की कितनी मेहनत हम लोग लेते हैं, कितने शुक्राने हैं गुरु के जो हमारे साथ लगातार मेहनत करते हैं, लगातार अनवरत बिना रुके। गुरु के कितने शुक्राने। फिर आगे बताया, बोधवान में शम होता है। शम होता है मन का निग्रह। पर यहाँ थोड़ी सी परिभाषा बोधवान के विषय में फर्क है। शम शब्द समाधि का वाचक है, अर्थात जिसकी आठों पहर समाधि लगी रहे। समाधि क्या होती है? जो समता में स्थित रहते हैं, सम और शांत रहते हैं, चलते फिरते खाते पीते निरंतर शांत वृत्ति रहती है जिनकी। शांत वृत्ति मतलब अंदर से शांत रहते। बाहर से तो देखिए कोई कर्म पे किसी को डांटना वाटना पड़ जाए, ऐसे डांट दीजिए, डांट करके फिर अपने उसमें रहिए। कुछ हुआ थोड़ी, कोई बात थोड़ी हुई, कोई किसी से द्वेष थोड़ी है, कह दिया और फिर अपने काम में। युक्तियाँ होती हैं ना, वो तो रहते ही शांत हैं। महापुरुष महापुरुष क्यों हैं? वो तो रहते ही शांत हैं, सम और शांत, उनका तो योग लगा ही रहता है। लेकिन हम उनकी तरह के बनना चाहें तो एक युक्ति है, आसान। कारण आया, डांटा डूटा, फिर जल्दी जल्दी हटो, जल्दी हटो, मन को हटाओ वहाँ से, मन को हटाओ, ये प्रयास करते रहिए, ये प्रयास करते रहिए, मन को हटाओ, उसमें मत लगाओ। भिन्न 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 जो हम पहले करते थे, जरा सी कोई बात हो गई और दिन भर दिमाग चल गया, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं अब वो नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, कुछ कह दिया, बात हुई, कह दिया, चलो हटो, हट जाइए वहाँ से, एकदम हट जाइए, या मन को हटा लीजिए, नहीं 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 कुछ नहीं कहना था, कह दिया, बात खत्म। थोड़ा सा चला मन, ये ना बड़ी लंबी यात्रा है। पहले मन बहुत चलता था, फिर काम 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 काम, आते 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 आप देखेंगे कि मन का चलना बहुत कम हो गया। कुछ हुआ अचानक, थोड़ा सा मन चला, नहीं कुछ नहीं। अरे भगवान का संसार है, हमारा तुम्हारा है क्या? क्या साथ लाए थे, क्या साथ जाएगा? कुछ है यहाँ, यहाँ क्या है, क्या अपना? यति के हाथ पैर नेत्र कुछ भी चंचल नहीं होते। यति बोधवान, मुनि, मननशील, ज्ञानवान, ज्ञानी, भक्त, अनेक नाम हैं। थोड़ी 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 साधन करने की पद्धति में फर्क होता है, आगे पहुंचकर ये सब एक होते हैं। तो यति के हाथ पैर नेत्र कुछ भी चंचल नहीं होते, मतलब हर समय कोई ना बैठे बैठे पैरों को देखा है, मेरे से तो हिलाए भी नहीं जाते, अब पुरानी आदत ही छूट गई। पुरानी जमाने में आदत हुआ करती थी, वो पैर हिलते ही रहते हैं उनके, पता नहीं कहाँ जाना है उन्हें, क्या करना है, हाथ भी हर समय कुछ 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 कुछ। मतलब ऐसे तो नहीं, पर समझ सकते हैं आप, चंचल शरीर, हड़ में हड़कल हड़कल, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ जाना है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ ये है, कुछ वो है, क्या है पता नहीं, क्या है ये है वो है, कुछ करना है, कुछ क्या करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, क्या करना है, करना है करना है करना, हालत ही खराब है। लेकिन समय के साथ आए थे कैसे हम, ठीक है, समय के साथ धीरे 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 गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमारी लंबी यात्रा पर हमारे साथ चलते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमको लगातार राइज कराते हैं, लगातार मेहनत करते हैं हमारे साथ। बहुत प्रेम है उनका, बहुत अधिक प्रेम है उनका। हम उनके प्रेम को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो जब डांटते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते। जैसे हम संसार में होता है, कोई डांट दे तो हमें अच्छा नहीं लगता फिर। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इनका कितना प्रेम है,
ये मुझे बनाना चाहते हैं, ये मुझे वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा सकता, और कोई नहीं पहुँचा सकता, घर वाले, परिवार वाले, संसार वाले, ये वाले, वो वाले, मित्र, जानने वाले, नौकरी वाले, बिजनेस वाले, कोई नहीं पहुँचा सकता। रुपया, पैसा, मान सम्मान, जमीन जायदाद, कोई नहीं पहुँचा सकता वहाँ तक, केवल गुरु पहुँचा सकते हैं। तो बुरा नहीं मानना चाहिए, गुरु डांटते हैं ठीक है, भले के लिए डांटते हैं हमारे, कुछ कहते हैं तो भले के लिए कहते हैं, मन में भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बाहर से तो कुछ लोग दिखाते हैं कि बुरा नहीं माना, पर अंदर में मान जाते हैं, वो भी नहीं मानना चाहिए। तो गुरु तो हमारा भला चाहते हैं, बुरा क्या मानना। हमारे माता पिता डांटते थे तो बुरा मानते थे, हम क्या मान, बुरा मान के कर क्या लेते, बुरा मानते फिर ठीक हो जाते थे। ऐसी थोड़े कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा लग गया, बुरा लग गया फिर ठीक हो जाओ। गुरु तो हमारा भला चाहते हैं, गुरु को कोई हमसे द्वेष नहीं है। द्वेष वाले के झड़प, जब झगड़ा हो जाता है तो वहां से मन खराब हो जाता है, मन ही नहीं करता बात करने का कभी जिंदगी भर। पर गुरु का तो बिल्कुल ही फर्क है, वहां तो कोई द्वेष का सवाल ही नहीं है, उनका तो प्रेम ही प्रेम है, हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते, वेलविशर है वो, हमारे सच्चे मित्र हैं, कल्याण मित्र हैं हमारे। कल्याण मित्र का क्या बुरा मानना। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम समझदार पहले से अधिक समझदार होते चले जाएं। रोज रोज सत्संग खुलने से ग्रंथियां खुलती हैं, बातें समझ में आती हैं। भले ठीक है मन 100% एकाग्र नहीं हो पाता, इधर उधर चला भी जाता है, कुछ और बातें भी मन में आ जाती हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं प्रैक्टिकली बोलूं ताकि ऐसा लगे आपको कि बातचीत हो रही है, तो काफ़ी मन उसमें लगा रहता है। थ्योरी पढ़ देता अभी मैं सारी तो आपका मन भाग जाता कहीं कहीं। कोशिश रहती है कि प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर से समझा पाएँ बात को, ज्ञान की बात को इस तरीके से कहें कि वो समझ में आए, मन लगे उसमें। अब देखिए उन्नति तो बहुत समय लगता है, मेहनत लगातार चल रही है, समय लगता है। आप बराबर मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन की कुर्बानी दे रहे हैं, बराबर लगे हुए हैं, आपके सारी संगत के बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, सारी टीम के शुक्राने जो सेवा में रहते हैं, सारे लोग, आप देखिएगा बहुत सारे प्रेमी हैं जो सेवा में हैं, उन सारी टीम के शुक्राने, आप सभी संगत के शुक्राने। आप आए, ज्ञान ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास है आपका, आपके सभी के बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने। और वो सारी संगत जो गूगल मीट पर इस समय सत्संग सुन रही है, बहुत सारे लोग, इससे बड़ा फायदा हो गया गूगल मीट से। पहले कितने लोग आ पाते थे, बड़ा बड़ा सत्संग होता था तो भी यहाँ पर कभी साल में एक बार, दो चार बार, या महीने में एक बार कभी, तो 500, 600, 700 लोग। अभी तो हर गूगल मीट पर 600, 700, 800, 1000, 1200, निर्भर करता है कौन सा दिन है, कौन सा समय है, कितने कितने लोग लाभ उठा रहे हैं। कितना ज़्यादा शुक्राना है, हर बात का शुक्राना। कहते हैं ना भगवान का हर विधान मंगल में होता है, भगवान की हर बात में भलाई है, हर बात में भलाई। बहुत शुक्राने, सबके शुक्राने, सारी संगत के, सारी दुनिया के शुक्राने, सारी दुनिया के शुक्राने जो हमको इस मार्ग पर बढ़ाने में लगी है। धन पैसा उसके भी शुक्राने, वो हमको बढ़ा रहा है इस मार्ग पर, है ना, ज्ञान भक्ति के मार्ग पर। पैसा भी हमको बढ़ा रहा है, काम आता है, सुविधा है, गाड़ी है, टैक्सी कर ली, आराम से आ गए, कोई पब्लिक एक्सपोजर नहीं है, ट्रेन में आते, बसों में आते कितनी दिक्कत होती, कितने शुक्राने हैं, गाड़ियां हैं, कितना शुक्राने उस धन के जो काम आता है, हर तरह से काम आता है, बहुत शुक्राने। हमको बराबर आगे बढ़ने में सपोर्ट दे रहा है, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने।
गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने, अम्मा जी के शुक्राने, दादा भगवान के, गीता भगवान के, हमारे आज के गुरु के बहुत बहुत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।